हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने चैनल इंग्लिश बाबा चैनल में शुरुआत करने जा रहे हैं एक चैप्टर की, जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो स्टोरी है, ये डील करती है कौन सी प्रॉब्लम को, जब कोई एक बच्चा छोटा होता है और वो छोटे से बड़ा होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे आती हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, और किस तरह से जो ऑथर है, जो राइटर है इस चैप्टर का, किस तरह से वो निजात पाता है मतलब इस समस्या से। चलिए। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। जो मेरा पहला साल था हाई स्कूल में, मुझे बड़ा अजीब सा, बहुत गंदा सा लगा। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। अब यहाँ पे हमें ऑथर बता रहा है कि आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, जो स्कूल वो छोड़ के हाई स्कूल वाले स्कूल में आया था, वहाँ पे वो अपनी क्लास में, पुराने स्कूल में क्या था, एक तो हेड था और उसके पास अपर ग्रेड की क्या थी, सीनियोरिटी थी। मतलब होता नहीं है जैसे स्कूल में हेड बॉय होते हैं, हेड गर्ल्स होते हैं, तो इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। और वो जहाँ दूसरे स्कूल में आया, वहाँ पे वो एक जनरल, एक बच्चा था जनरल, और उससे पुराने वाले स्कूल में वो क्या था, हेड बॉय था, हेड था, तो उसे थोड़ा अजीब तो लग ही रहा है। वही वहाँ पे उसकी एक, काफ़ी सारे बच्चे उसकी सुनते थे, उसकी चलती थी। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। और जो मेरा जो नया वाला स्कूल था, वो मेरे पुराने वाले स्कूल से लगभग दो गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। एक तो, और दूसरे अगर और भी बताऊँ, एक तो ऑलरेडी मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं वहाँ पे फ्रेशर की तरह से मुझे ट्रीट किया जा रहा था, और एक और जो ख़राब बात हुई, जो मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, उनका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवाया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मुझे बहुत अजीब सा, बहुत अकेलापन महसूस हुआ। कहाँ पे, मेरे नए वाले स्कूल में। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मुझे अपने पुराने टीचर्स की और अपने पुराने स्कूल की इतनी याद आती थी कि मैं उनके पास बीच बीच में जाता था, उनसे मिलता था। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। अब वो मुझे एनकरेज करते थे कि बेटा आप स्कूल में, नए स्कूल में जहाँ गए हो वहाँ घुला मिला करो, थोड़ी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया करो, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि मैं नए लोगों से मिल पाऊँ। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड जस्ट एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। वो लोग जो थे मेरे पुराने स्कूल के जो टीचर्स थे, वो मुझे इस तरह से इनकरेज करते थे कि देखना कुछ ही दिनों में तुम अपने नए स्कूल को इतना ज़्यादा प्यार करने लगोगे कि जितना तुमने कभी पुराने स्कूल को भी नहीं किया था। दे मेड मी प्रॉमिस दैट वेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस लिया कि जब ऐसा टाइम आएगा कि जब तुम अपने नए स्कूल में घुल मिल जाओगे, जब तुम्हें नया स्कूल बहुत अच्छा लगने लगेगा, उस टाइम पे भी तुम पुराने स्कूल में आना नहीं छोड़ोगे और तुम यहाँ आते रहोगे और हमसे मिलते रहोगे। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग। अब वो ऑथर है, वो हमें बता रहा है कि मुझे खूब समझ में आ रहा था कि वो किस साइकोलॉजी में बात कर रहे हैं, यानी कि वो मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि मेरा मन वहाँ पे लगा रहे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नन द लेस। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिला। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। एक संडे की बात है, दोपहर की, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया था अपने नया वाला। मैं अपने घर पर बैठा था डाइनिंग रूम में और कुछ होमवर्क कर रहा था। इट वॉज़ अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, और ये जो दिन था बहुत ठंडा और बाहर भी हवा वगैरह चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस, और जो फायर प्लेस होती है जहाँ पे आग जलती रहती है, ताकि जो गर्म रहे, जो घर है वो थोड़ा सा गर्म बना रहे, उसमें आग जल रही थी। एज़ यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। देखो, कैट से पहले टैबी वर्ड का यूज़ हुआ है। बेटे, टैबी का मतलब होता है एक ऐसी कैट जिसके में फर होते हैं, फर वगैरह, मतलब बहुत अच्छा सा फर होता है, उसके बाल होते हैं, ठीक है, और लाइंस वगैरह दिखती हैं उसके अलग अलग कलर की। तो मेरी जो टैबी कैट थी वो बैठी थी मेरे टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी थी, परिंग लाउडली। जहाँ पे जो परिंग आया है, ये जैसे डॉग बार्क करता है, जो कैट की जो आवाज़ है उसके लिए वो आवाज़ें कर रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पैन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और बीच बीच में क्या करती थी, मेरा जो पैन पड़ा हुआ था उसके साथ लड़ाई झगड़ कर रही थी। मतलब लड़ाई झगड़ने से मतलब उसके साथ खेल रही थी, एंटरटेनमेंट कर रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना।
मैंने उसे तब बचाया था जब वो एक छोटी सी किटन थी, बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं किटन। एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और कहीं ना कहीं उसे भी इस चीज़ का अंदाजा था, बिल्ली को भी, कि मैं उस जो उसकी जो गुड लाइफ चल रही है, अच्छा जीवन जो उसे व्यतीत हो रहा है, उसे खाने के लिए बढ़िया खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कुछ कपड़े वगैरह मिल रहे हैं या जो भी है, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल था। माई मदर कैप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वॉर्म। और मेरी मम्मी बीच बीच में फायर चेक कर रही थी, मतलब उसमें जो भी सामान डालना है, लकड़ी वगैरह, वो डाल रही थी ताकि जो घर का जो टेम्परेचर है वो बढ़िया बना रहे, गर्म बना रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट। तभी मैंने कुछ स्ट्रेंज सा, अजीब सा कुछ महसूस किया और फिर मैंने वो देखा, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। और सीलिंग से क्या आ रहा था? धुआं आ रहा था। स्मोक मीन्स धुआं। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। और धुआं इतनी तेजी से आ रहा था कि पूरा का पूरा जो कमरा था जिसमें मैं बैठा हुआ था वो पूरा धुएं से भर गया, और इतना ज्यादा भर गया कि हम बेयरली मुश्किल से देख भी नहीं पा रहे थे। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर। ग्रोपिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन, जैसे आप रात में बैठे हुए हो, अचानक से लाइट चली जाए और आपके पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं, तो आप क्या करते हो? अंदाजे से चलते हो, आपको दिख कुछ नहीं रहा, तो अंदाजे से चलते हुए फ्रंट डोर की तरफ, वी ऑल रेन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। हम बाहर की तरफ फ्रंट यार्ड में आ गए। बाई द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एंगल्फ इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। जैसे ही हम बाहर आए, बाहर की तरफ आए, पूरी की पूरी जो छत थी वो किसने निगल ली? फ्लेम्स ने। निगलने का यह मतलब खाने से नहीं है बेटा, यहाँ पे इसका मतलब है पूरी की पूरी जो रूफ है वहाँ पे आग फैल गई। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। ये कैसे फैल रही थी? बहुत तेजी से के साथ फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं जो अड़ोसी पड़ोसी थे बगल बगल में, उनके पास दौड़ा ताकि वो किसे कॉल कर दें? फायर डिपार्टमेंट को, जो आग बुझाने वाली डिपार्टमेंट होता है। व्हाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। और मैंने क्या देखा कि मेरी मम्मी वापस से घर में जा रही हैं। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर मैंने देखा मेरी मम्मी घर से बाहर आ रही हैं, एक स्मॉल मेटल बॉक्स, एक बॉक्स लिया हुआ जिसके अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। भाई होते हैं घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ होंगे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रेन बैक इन टू द हाउस। और उन्होंने वो बाहर की तरफ, वो जो मेटल वाला बॉक्स था वो बाहर की रखा, और एकदम जो उनकी जो स्थिति पागलपन वाली स्थिति में घर के अंदर दोबारा से चली गई। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर। मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो किस चीज़ के पीछे हैं। यहाँ पे आफ्टर का मतलब किस चीज़ के पीछे से मतलब है, आखिर उन्हें कौन सी चीज़ ऐसी है घर में जो उन्हें चाहिए ही चाहिए, या कौन सी चीज़ ऐसी है वो नहीं चाहती वो जल जाए आग में। माई फादर हैड डाइड वेन आई वॉज यंग। मेरे पिता मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि मेरी मम्मी के पास जो उनकी पुरानी यादें के रूप में जो फोटोज़ वगैरह बचे हुए हैं, जो एल्बम या जो फोटोज़ हैं, वो मम्मी उन्हें कभी जलने नहीं देंगी। मम्मी के लिए पैसा मायने नहीं रखता, वो चीज़ें मायने रखती हैं, तो इसीलिए मम्मी अंदर गई हैं। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय। और वो ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे मेरी मम्मी मेरे पापा को याद कर सकती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर। फिर भी मैं उनकी तरफ बहुत चिल्लाया, मॉम नो, मम्मी मत जाओ, मत जाओ। ठीक है। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। मैं मम्मी के पीछे भागने ही वाला था तभी मैंने क्या महसूस किया, एक बड़े से हाथ ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ है। इट वॉज अ फायरमैन। और ये जो पर्सन था जिसने मुझे पकड़ा हुआ था, ये फायरमैन था। फायरमैन बारे में बता दिया, जो फायर डिपार्टमेंट होता है, आग बुझाने का काम करते हैं, उसके एम्प्लॉय। आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। मैंने अभी नोटिस भी नहीं किया था कि पूरी गली फायर ट्रक से भर गई थी, मतलब वो लोग आ गए थे आग बुझाने वाले। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प येलिंग। मैं अपने आप को पूरी तरह से पूरे जोर के साथ कोशिश कर रहा था, भाई मुझे छोड़ो छोड़ो। और मैं क्या कह रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, छोड़ दो मुझे, मेरी मम्मी अंदर है, मेरी मम्मी अंदर है। और मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ। ही हेल्ड टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रेन इन टू द हाउस। उसने मुझे कस के पकड़े रखा जबकि मैंने देखा जो दूसरे फायर फाइटर्स थे वो घर में जा रहे थे। ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन। ही वॉज राइट। उसे पता था कि मैं लॉजिकली काम नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमें पता तो होता है कि ये काम करना गलत है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम इमोशनली बह जाते हैं,
तो ऑब्वियसली उसे पता था लड़के को कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं जल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई मम्मी से भी तो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा किससे प्यार करेगा, किसी को भी नहीं. लेकिन ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, एंड इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन. अगर वो मुझे जाने देता, यानी कि अगर उसने जो ग्रास्प मुझे पकड़ा हुआ था अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं अंदर चले जाता. और वो बिल्कुल सही, ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था. इट्स ऑल राइट, दे'ल गेट हर, ही सेड. उसने कहा, उस आदमी ने जिसने मुझे पकड़ा हुआ था, यार चिंता मत करो, दूसरे फायर फाइटर्स अंदर जा चुके हैं, वो उन्हें ले आएंगे सही सलामत, आप बिल्कुल चिंता मत करो. ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आर कार. उसने मेरे चारों तरफ एक ब्लैंकेट लपेटा और मुझे बिठाया हमारी कार में. सून आफ्टर दैट अ फायर मैन इमर्ज फ्रॉम आर हाउस विद माई मॉम इन टो. जल्दी ही एक फायर फाइटर मुझे दिखाई दिया बाहर आता हुआ मेरे घर से रस्सी की मदद से. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. और वो जो फायर फाइटर था उसने जल्दी से वो मेरी मम्मी को ट्रक में ले गया और उनके ऊपर क्या लगाया, ऑक्सीजन मास्क लगाया. आई रेन ओवर एंड हग्ड हर. मैं जल्दी से गया और अपनी मम्मी को मैंने गले लगा दिया. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. और बिल्कुल उस समय जब मैंने अपनी मम्मी को गले लगाया, जब वो उस वाले घर से जिसमें आग लग रही थी हमारे घर से निकल के आई, जब मुझे लग रहा था कहीं मम्मी भी ना चल बसे, तब मैंने अपनी मम्मी को गले लगाया. और कभी कभी होता है ना बच्चों के बीच में और मम्मी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कभी कभी, या मम्मी पिटाई लगा देती हैं, कंप्लेन कर देती हैं टीचर को, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मम्मी हमारा बुरा चाह रही हैं. तो वो कह रहा है कि जो भी मेरी आर्ग्यूमेंट मम्मी से हुई थी, या जो भी मैं कभी कभी नफरत करता था किसी बात पे मम्मी से, वो सारी गायब हो गई. वैनिश का मतलब गायब हो गई. और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ. शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन. फायरमैन ने कहा, अरे भैया चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगी. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. इन्हें थोड़ा सा धुआं चला गया अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा. एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज. और फिर वो कहाँ गए, जो आग जो लगी हुई थी उसे बुझाने के लिए चले गए, और मैं और मेरी मम्मी चुपचाप, मतलब अब भाई जिसके घर में आग लग जाए उसे कितना दुख हो रहा होगा, वो इमोशन ना कुछ कर पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं, वो बस इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी होके देख रहे हैं. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. और मुझे अभी भी याद है कि अपने घर को जलते हुए देखना और ये सोचना कि यार मेरा घर मेरी आंखों के सामने जल रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. 5 आवर्स लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट. अब 5 घंटे लगे पूरी तरह से उस आग को बुझाने में. आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन. हमारा घर था, ऑलमोस्ट का मतलब होता है बच्चों लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी, तभी मुझे कुछ याद आया. आई हैडन्ट सीन माई कैट. मेरी कैट कहाँ है, मैंने तो उसे देखा ही नहीं. वेयर वॉज माई कैट, कहाँ है भाई, कहाँ है मेरी कैट. मस्ट टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी सीन. अब मेरा जो डर है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा और मैंने देखा यार वो तो कहीं मिल ही नहीं रही है. देन ऑल एट वंस इट हिट मी. क्या मुझे याद आया, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड एंड क्राइड. अचानक से मुझे जितनी भी मेरे साथ जो खराब चीज़ें हो रही थी, क्या एक तो नए स्कूल में आके मैं परेशान था और ये आग लग गई और अब मेरी कैट नहीं मिल रही, मैं इतना ज़्यादा टूट गया कि मैं बस रोता रहा, आंसुओं से रोता रहा रोता रहा. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. और ये मतलब जीवन में वैसे मैंने बहुत चीज़ खोई पाई लेकिन कभी इतना बड़ा मुझे लॉस नहीं हुआ एक साथ. द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. अब जो फायरमैन थे, हालांकि उन्होंने आग बुझा दी थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमें उस रात में घर पर जाने से मना कर दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस. अभी भी क्या था, बहुत ज़्यादा खतरनाक, खतरा था. डेड और अलाइव आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. जिंदा हो या मरी हुई हो, जैसी भी हो, लेकिन मुझे वहाँ से उस जगह से जाना, जब तक कि मैं अपनी कैट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मेरे लिए तो भैया बिल्कुल इम्पॉसिबल था. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. हालांकि फिर भी मुझे जाना पड़ा. वी पाइल्ड इन टू द अदर कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आर बैग्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स. हम कार में बैठे, जो भी कपड़े हमारे बैग पे थे वही पड़े हुए थे, और कुछ हमारे पास क्या थे, फायरमैन्स के ब्लैंकेट थे, ब्लैंकेट माने कंबल. एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. और हम कहाँ चल दिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे चल दिए, टू स्पेंड द नाइट, वो रात बिताने के लिए. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. अगले दिन स्कूल भी गया मैं मंडे को. देख लो ये होता है बेटा विदेशों में, पिछले दिन आग लगी है, अगले दिन लड़का
स्कूल चला गया, और यहाँ इंडिया में हल्की सी कोई बात हो जाए तो 8 दिन चाहिए। मैडम जी आए क्यों नहीं थे बेटे? मैडम जी जुकाम हो गया था। एनी वेज जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। वेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन टू द चर्च दैट मॉर्निंग, बट आई हैड नो शूज। जब आग लगी थी मैं उस टाइम भी वही वाले कपड़े पहने हुआ था जो उस दिन मैंने मॉर्निंग में चर्च में पहने थे, लेकिन अब मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक देम ऑफ वेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैंने जब मैं अपने घर पे बैठा हुआ होमवर्क कर रहा था तब मैंने वो उतार दिए थे। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। और जिस तरह से जो घर पे मेरे जो आग लगी थी, जिसने आग ने हर चीज़ तहस नहस कर दी, उस आग ने मेरे जूते भी जला दिए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। देखो बोरो का मतलब होता है बच्चों उधार लेना, तो मुझे कुछ जो टेनिस शूज़ थे मुझे अपनी आंटी से उधार लेने पड़े। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट। मैंने अपनी मम्मी से कहा यार मुझे नहीं जाना है स्कूल, स्कूल मैं नहीं जाना चाह रहा। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, और मेरी मम्मी कहती थी नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी सोचने वाली है बच्चों, कि बच्चा क्यों नहीं जाना चाह रहा है स्कूल, क्योंकि उसे अब शर्म आ रही है, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म बैग वगैरह सब कुछ जल चुका है। अच्छा मम्मी क्यों चाह रही है कि स्कूल जाए? भाई स्कूल जाएगा तो थोड़ा सा इसका ध्यान भटकेगा, यहाँ पर रहेगा तो पूरे दिन घर के बारे में सोचता रहेगा। बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाई एवरी थिंग, और मुझे हर चीज़ की एम्बेरेस का मतलब होता है शर्म आ रही थी। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े में पहना हुआ था वो अजीब से लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास ना तो बुक्स थी ना होमवर्क था। एंड माई बैक पैक वॉज गोंग, बैक पैक मतलब यूजली जो स्टूडेंट होगा उसकी बैक के ऊपर एक पैक यानी कि बैग रहता है, वो भी नहीं था। आई हैड माई लाइफ इन द बैक पैक, और मेरा जो पूरा जीवन था वो बैक पैक में था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट, जितना मैं कोशिश कर रहा था अपनी लाइफ को बेटर बनाने का उतना ही ये खराब होती जा रही थी। वॉज आई डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ, क्या मैं जीवन भर मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा क्या? बुरा हर चीज़ सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही होती रहेंगी क्या? दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, उस टाइम मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, मैं जीवन से इतना तंग आ चुका हूँ मैं इसे हैंडल ही नहीं कर। इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, ये मेरा जीवन कभी बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं बस सारी चीज़ समेटना चाहता था और मरना चाहता था। इतना मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, सब कुछ इतना ख़राब चल रहा था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी, मैं स्कूल में तो था लेकिन जैसे स्कूल में होना और ना होना बराबर था। देखो तो चिल्ड्रन जॉम्बी होता है चलती फिरती लाश, तो कहने का मतलब चल रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। एवरीथिंग फेल्ट सरियल एंड आई वॉजन श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा था और मुझे अब ये भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी मेरी लाइफ में, मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी बिल्ली, सब लोग मेरे जीवन से जा चुके थे। व्हेन आई वॉक थ्रू व्हाट यूज टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, जब मैं एक दिन अपने घर पुराने वाले घर पे गया स्कूल के बाद, आई वॉज शॉक्ड शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, मैं हैरान रह गया ये देख के कि आग ने कितना ज़्यादा डैमेज किया है। वॉट एवर हैडन्ट बर्न्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द वॉटर एंड केमिकल्स, वॉट एवर हैडन्ट बर्न्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर। वैसे तो ऑलरेडी आग जो वहाँ लगी थी उसने सारी चीज़ ख़राब करी दी थी, सारी चीज़ डिस्ट्रॉय करी दी थी, और अगर जो चीज़ ख़राब नहीं भी हुई थी ना, तो उन लोगों ने जिस केमिकल का यूज़ किया था फायर फाइटर्स ने, और पानी का यूज़ किया था पानी को बुझाने के लिए, उसकी वजह से वो वाली चीज़ें भी ख़राब हो गई थी। द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, केवल एक ही चीज़ ऐसी थी जो ख़राब नहीं हुई थी, वो थी हमारी फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू। केवल कुछ चीज़ें जो ख़राब नहीं हुई थी जिन्हें मेरी मम्मी आसानी से बचा पाई थी, मतलब आसानी से नहीं, आई मीन बहुत कठिन से अपनी जान पे खेल के। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एज्ड फॉर हर, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा दिल उसी के लिए धड़क रहा था, मतलब बस मन कर रहा था बस कहीं कैसे भी मेरी कैट मुझे वापस मिल जाए। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन दुख, ग्रीव का मतलब होता है चिल्ड्रन दुख, दुख मनाने का कोई टाइम नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मम्मी ने कहा घर से बाहर निकलो, मतलब बाहर निकाला मुझे। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें एक घर ढूंढना था किसके लिए,
रहने के लिए, एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे अपने स्कूल के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने थे, उसके लिए भी जाना था। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड कैश और इवन माई आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। अब हमें क्या करना पड़ा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा और अम्मा जी से क्या लेने पड़े, कुछ पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि हमारे पास ना तो क्रेडिट कार्ड था ना कैश था। और जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जो कि बैंक में लगता है ये दिखाने के लिए कि भैया मैं ये हूँ और मेरा खाता उसके लिए, तो वो सब जो चीज़ें थी, जो अगर ऐसा नहीं था कि बैंक में पैसा नहीं था, बैंक में तो पैसा था, लेकिन भैया उसे जब दिखाओगे तो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह कुछ तो दिखाओगे, वो सब जल चुका था। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, और हर चीज़ आग की जो भेंट चढ़ चुका था, यानी आग में खराब हो चुका था। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आर हाउस वॉज बींग क्लियर ऑफ द लॉट। उस हफ्ते अब क्या हो रहा था, जो रबल है मतलब देखो जहाँ उसका घर था वहाँ पर अब क्या बचा है, मलबा, मतलब पूरी चीज़ ख़राब हो गई है, वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, सब क्लियर्ड ऑफ, वो साफ़ किया जा रहा था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, हालांकि हमने एक घर पास में ही किराए पे ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, पर फिर भी मैं बीच बीच में वहाँ अपने पुराने वाले घर में जाता था और पत्थरों के इधर उधर जो मलबा पड़ा था उसमें देखता रहता कहीं मेरी कैट मुझे मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो जा चुकी थी। आई कैप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, और मैं उस वल्नरेबल मतलब इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी, एंटरटेन करने वाली, जो इतनी चहचहाती रहती थी, उस किटन के बारे में दिन भर सोचता रहता था। इन दी अर्ली मॉर्निंग वेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ वर्क, सुबह सुबह जब मैं उसे डिस्टर्ब करता था और उसे बेड से बाहर निकालता था, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, वो भी मेरे पीछे लग जाती थी। क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट, और जो मैं ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ता था वो उस पर चढ़ जाती थी और मेरी पॉकेट में आ जाती थी टू फॉल अस्लीप, सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत याद कर रहा था। यहाँ पे जो वो वाले बच्चे हैं जिनके घर में कोई पैट है, तो वो इस चीज़ को, इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो हमारे घर में डॉग कैट जो भी है, कहने को वो जानवर होता है बेटा, लेकिन जब वो हमारा उससे इतना लगाव हो जाता है कि अगर उसे हल्की सी खरोंच भी आ जाए तो हमें बहुत जीना हमारा दुश्वार हो जाता है, तो ऐसे ही उसके साथ हो रहा है बेचारे के साथ, उसके अपनी कैट नहीं मिल रही। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, हमेशा ऐसा ही होता है कि जो बुरी खबर होती है वो जल्दी फैलती है, एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, जो मेरा नया स्कूल था हाई स्कूल वाला, मेरे सारे जो दोस्त वगैरह थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, सबको मेरी दुर्दशा, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, यानी सबको मेरी स्थिति का पता चल चुका था। आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ सम हाउ आई वॉर रेस्पॉन्सिबल, और कहीं ना कहीं मैं अपने मतलब शर्म महसूस कर रहा था और मैं अपने आप को दोषी मान रहा था जो सब हुआ आए। दैट अ वे ऑफ स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल, दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, क्या यही तरीका है क्या एक नए स्कूल में जाने का या नया स्कूल शुरू करने का। हालांकि मैं अटेंशन तो चाहता था, मैं चाहता था सब लोग मुझे जाने, सब लोग मुझे मेरी बात करें, लेकिन इस तरह से मुझे अटेंशन मिलेगी, एक तरह की सिंपथी मिलेगी, ये कभी मैंने नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, अगले दिन जब मैं स्कूल गया जो लोग थे वो और ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे थे यूजुअल से। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं अपने लॉकर के पास था, जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो रहे थे एंड आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी, पर और अगर मैं पिछले हफ्ते कुछ हफ्तों की बात करूँ तो किसी चीज़ से भी मुझे कोई कभी ऐसा सरप्राइज नहीं हुआ। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे सब धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जिम में जाऊँ। देन आई सॉ वाई, फिर मुझे समझ में आया क्यों। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, वहाँ पर जैसे ही मैं जिम में गया देखा मैंने एक बड़ी सी टेबल है और उस पर बहुत सारा स्टफ, बहुत सारा सामान पड़ा है और वो सब मेरे लिए था। तो यहाँ पर उसे ऑथर को समझ में आया कि वो सब लोग उसे पुश क्यों कर रहे थे कि वो उधर जाए। जब हम किसी के लिए कोई सरप्राइज सेटअप करते हैं ना, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो पर्सन वहाँ पर जाए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, उन्होंने हर चीज़ जो भी स्कूल के लिए मुझे ज़रूरी चीज़ें थी वो सब मेरे लिए उस वहाँ पर रखी थी। नोटबुक वहाँ रखी थी, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, कपड़े रखे थे, जीन्स रखे थे, टॉप्स रखे थे, स्वेट सूट्स रखे थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस,
जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसमस हो, क्रिसमस पे ऐसा होता है ना कि एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो मेरे लिए वो सारे गिफ्ट रखे हुए थे। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, और वो जो माहौल था, वो जो सीन था मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल था। मेरी आंखों में आंसू थे हल्के हल्के, क्योंकि अब तक मैं जिन लोगों को समझ रहा था कि ये लोग मेरे दोस्त नहीं बने, वो लोग आज मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं नए स्कूल में। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कभी मुझसे बात नहीं की थी स्कूल में, वो खुद आ रहे थे मेरे पास और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज, और सभी लोग मुझे अपने अपने घर पे बुलाने इन्विटेशन दे रहे थे, अपने घर पे बुला रहे थे। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, और उन सबकी जो कंसर्न, उन सबकी जो दया और मेरे लिए जो भावना थी, कहीं ना कहीं उसने मेरे दिल को छू लिया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। बहुत लंबे टाइम बाद पहली बार मैंने राहत की सांस ली, और मुझे अब ऐसा लगा कि अब मेरा सही समय शुरू होने वाला है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने फाइनली सचमुच में दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट, एक महीने बाद की बात है, मैं अपने घर में था और मैं देख रहा था कि मेरे घर को दोबारा से बनाया जा रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, थोड़ा सा कुछ अलग था। आई वॉजेंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, और मेरे दो दोस्त भी जो मेरे नए स्कूल से बने थे वो मेरे साथ थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स, इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। मतलब क्योंकि जब मैं शुरुआत में आया था तब तो मैं यहाँ किसी नए लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाह रहा था, वो भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन इसमें टाइम तो लगा, मुझे टाइम लगा किस किस चीज़ में, जो मेरे आसपास जो लोग थे, जो मेरे आसपास का माहौल था, उसमें खुलने में, बैठने में, घुलने मिलने में। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ट वेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। अब मैं वहाँ घर पे बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि मेरे घर को दोबारा से बनाया जा रहा है, और मैं ये भी महसूस कर रहा था एक साइड तो घर बन रहा है, उसी साइड मेरा जीवन भी दोबारा तरह से, एक तरह से तैयार हो रहा है, न्यू लाइफ मेरी शुरू हो रही है। व्हाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब, हम बस बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, बेडरूम का प्लान कर रहे थे। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड, तभी मैंने नोटिस किया कि कोई मेरे पीछे से आया और उसने कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये आपका है। वेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जैसे मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए कि भाई कौन है, किसने आवाज़ दी है, आई कुडेंट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, पीछे एक लेडी खड़ी थी, औरत खड़ी थी, और जिसके हाथों में मेरी क्या लगी हुई थी, मेरी बिल्ली। आई लैप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमन्स आर्म, और मैं इतनी जल्दी से झपट्टा मार के उठा और जल्दी से उसके हाथों में से ले लिया, किसको, अपनी कैट को। ये देखो आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, उसने, कैट भी खुश है और वो बच्चा भी बहुत खुश है, यानी ऑथर। क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू द ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और उसे लेके, जब होता है ना हम अपने किसी को खो दें जो हमारा प्यारा है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, अगर वो मिल जाए तो खुशी के आंसू नहीं रुकते, तो वो उसे भी मतलब बहुत खुशी हुई। शी पर्ड हैप्पीली, वो भी बहुत खुश हो रही थी, आवाज़ निकाल रही थी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और जो मेरे दो 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 दोस्त मेरे साथ थे उन्होंने मुझे हग कर लिया। हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और वो भी, उन्होंने कैट को भी हग किया और वो भी खुशी से जंपिंग करने लगे, कूदने लगे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीड बाई दैट फायर दैट शी रेन ओवर अ माइल अवे। अब जो मेरी जो कैट थी, उस जिस दिन आग लगी थी वो इतनी डर गई थी कि वो 1 मील दूर भाग गई। हर कॉलर हैड आर फोन नंबर ऑन इट, उसके जो कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, बट आर फोन्स हैड बीन डेस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन जो हमारे जो फ़ोन थे ना वो डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिसकनेक्ट हो गए थे, इसलिए वो लेडी तो हमें कांटेक्ट करना चाह रही होगी उस नंबर के से, लेकिन हमारे जो नंबर ही नहीं लग पाए। दिस वंडरफुल वूमन टुक हर एंड इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज़ कैट इट वॉज, इस प्यारी सी औरत ने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करी हमें ढूंढने के लिए, और फाइनली ये कैट जो है उसने हमें दी। सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, और कहीं ना कहीं उस औरत ने भी ये रियलाइज़ किया, हालांकि ऐसा नहीं है वो खाना पीना तो उसे खिलाई दी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बस जो आपका जो पैट होता है वो कहीं खाने पीने के लिए थोड़ी रहता है केवल, उसे आपके घर में प्यार भी मिलता है, वो आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करते हो। तो उस लेडी को भी ये महसूस हुआ कि इसके जो मालिक हैं, इसके जो घर वाले हैं, वो भी इसे याद कर रहे होंगे और ये भी उन्हें याद करती होगी। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, और मैं वहाँ बैठा रहा अपने दोस्तों के साथ और मेरी जो प्यारी सी कैट थी वो मेरी गोदी में, लैप मतलब गोदी में,
ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजडी सीम टू डिमिनिश। और जितनी भी मेरे अंदर जो फीलिंग्स चल रही थी, मेरी भावना चल रही थी यार कि जीवन में मैंने इतना लॉस कर दिया, ये खो गया, ये हो गया, ये खराब हो गया, सारी फीलिंग अब मुझे वो जाने लगी, मतलब अब उसे अच्छा लगने लगा। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, और मुझे अपने जीवन के, मैं ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ, मतलब जितना दिया जितना है उसी में खुश। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माई न्यू फ्रेंड्स के लिए, मेरे उनकी काइंडनेस के लिए, ऑफ ए स्ट्रेंजर एंड एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट। मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया कि जितनी भी ईश्वर आपने मुझे सारी चीज़ दी, मेरी कैट आपने वापस कर दी, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, और इस काइंड वूमन, जो इस औरत ने इतना एफर्ट लगाए इस कैट को मुझे देने में, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी कैट मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई थी और मैं भी ज़िंदगी में वापस आ गया था। तो इसका मतलब है बच्चों कि ज़िंदगी में वापस आने का मतलब, क्योंकि उसका एक टाइम इतना ख़राब चल रहा था कि जब वो मरना चाहता था, लेकिन अब उसकी लाइफ में सारी खुशियाँ वापस आ रही थी। सो आई होप चिल्ड्रन कि ये जो एक्सप्लेनेशन थी इंग्लिश बाबा चैनल की तरफ से, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। तो और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो बेटा, तो आगे प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इंग्लिश बाबा चैनल। थैंक यू, बाय।